नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज युग और मैं हूं चंद्रशेखर त्रिशूल। गैंग्स ऑफ मेवात के ठग माफिया ने सोमालिया के समुद्र लुटेरों और झारखंड के कोयला माफिया को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। इनके जालसाज पंजों में पब्लिक के साथ नेता, अभिनेता, बॉलीवुड के कलाकार, कारोबारी, अधिकारी और अब खुद कानून के रक्षक भी आ गए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की सीमाओं पर बसे गैंग्स ऑफ मेवात में रोज जब सवेरा होता है तो यहाँ की हवाओं में अपराध कहने सुनने और बोलने लगता है। यहाँ के घरों में आदमी, औरत, बूढ़े, बच्चे, मानिए हर एक शख्स जालसाजी, ठगी, धोखाधड़ी के अपने इस कारोबार में लिप्त हो जाता है। तब फिर इनकी इस दिनचर्या से सिलसिला शुरू होता है देश भर में बेकसूरों के हक और ईमान की कमाई को लूटने और ठगने का। गैंग्स ऑफ मेवात के इस इलाके में अपराध चुपके चुपके नहीं बल्कि चौड़े दहाड़े बेकसूर लोगों के जान माल को लूटकर बेशर्मी से अंगड़ाई ही नहीं लेता, निर्लज्जता से अट्टहास भी करता है। गैंग्स ऑफ मेवात में ठगों और जालसाजों से बचे रहने के साइन बोर्ड रोज इनकी हौसला अफजाई करते, कानून को चढ़ाते हुए बड़े मासूम और बेकसूर से नजर आते हैं। देश दुनिया से ठगी की वारदातों का लेखा जोखा तो रखना नामुमकिन है, लेकिन उसका हिस्सा बंटवारा आखिर कहां कहां पहुंचता है ये भी इनकी सरपरस्ती के आलम को मदमस्त और बेखौफ कर जाता है। हरियाणा, राजस्थान और यूपी का जो ये कामा पहाड़ी मेवात क्षेत्र है, यहाँ पे मेव कम्युनिटी के अधिकतर लोग जो साइबर क्राइम से लोगों के साथ ठगी करते हैं, ये पेटीएम, ओएलएक्स और ऐसे इंटरनेट के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिसमें कोई बुलेट, मोटरसाइकिल, बोलेरो, स्कॉर्पियो गाड़ी बेचने के लिए डालते हैं। इसी तरह अभी इन्होंने क्या किया था कि वहाँ बेंगलोर के कमिश्नर साहब के आईडी हैक करके उनकी फ़ोटो लगा के इन्होंने कई लोगों के साथ ठगी की, जिस पर बेंगलोर की साइबर की टीम, एक्सपर्ट टीम और 16 सदस्य मेंबर यहाँ आए, जिन्होंने हमारे डीआईजी साहब रेंज के आदेश अनुसार उनके साथ गए और जिन्होंने ये ठगी की है, उन चार लोगों को हिरासत में लेकर बेंगलोर टीम द्वारा पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद बेंगलोर टीम उन्हें अपने साथ लेके बेंगलोर रवाना हो गई है। हम लोग जो ओएलएक्स में और ओटीपी का जो फ्रॉड चल रहा है और डीपी में हमारा कमिश्नर साहब उनका ही फ़ोटो डाल के इन लोगों ने थोड़ा चीटिंग किया हुआ है, उसके तहकीकात में हम लोग इधर आके पहुँचे। आके पहुँच के हम लोग छानबीन कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस बहुत हमको मदद कर रहा है कि हर चीज़, हर बात हम लोग ऐसा है डिस्कस करके हम लोग कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबको पकड़ में लाने का कोशिश जारी चल रहा है। आपके यहाँ टोटल कितने मामले दर्ज हैं? हमारे में तो टोटल 11,000 है, 11,000 है, 11,000 में से 600 यही करीबन यही कोतवाली का अगल बगल में है, और बंदे तीन चार बंदे, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो 700-800 तो आराम से हो जाएंगे। पहले उन्होंने नाम डाला, किसी और कमिश्नर का फ़ोटो डाला डीपी में, व्हाट्सएप के डीपी में, बाद में हमारा बेंगलुरु सिटी कमिश्नर का व्हाट्सएप में डीपी में डाला, और खुद हमारा प्रशांत बाबू इंस्पेक्टर का भी उन्होंने और एक केस में डाला है व्हाट्सएप में। वो लोग डीपी डाल के वो लोग पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक पुलिस को चैलेंज कर रही है, पूरा हिंदुस्तान की पुलिस को वो चैलेंज कर रही है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी कोई पकड़ रहा नहीं है। बेंगलुरु सिटी में 11,000 हुए और हम लोग एक बार इन पकड़ में आ गए तो उधर जाने के बाद तहकीकात करने के बाद इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, तभी एक बार कंफर्म बोल सकते हैं कि मगर ऑल ओवर कर्नाटक नहीं है, ऑल ओवर इंडिया ये चल रहा है। सायरन से गूंजती गलियों में हर एक घर का अपराधी होना यहाँ गैंग्स ऑफ मेवात में शान शौकत माना जाता है। गैंग्स ऑफ मेवात में जब रात होती है तो ठगा हुआ देश, लुटा हुआ कानून, गैंग्स ऑफ मेवात की गलियों की खाक छानता बड़ा ही बेबस सा नजर आता है। हम सोशल साइड से इसलिए से लूटते हैं कि जैसे हमारे पास में एक ओएलएक्स का एक सॉफ्टवेयर होता है, सबसे बेहतरीन तो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं आजकल लोग बागों जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर से हम एमपिन नंबर वगैरह सेट करते हैं, फिर उसको क्यू कोड जो उसको भेजते हैं, क्यू कोड भेजने पर उसको शिफ्ट कराते हैं, तो हम उसके लिए भेजते हैं जो लालच पा के हमारे पास फंसता है। जैसे किसी को हमने विज्ञापन डाला गाड़ी का, भाई इतने रुपये गाड़ी है, 2018 मॉडल गाड़ी डाल दी हमने, कोई भी गाड़ी एक्स वाई जेड
कोई भी हो, बोलेरो पिकअप वगैरह कुछ भी डाल दी, मद्दी गाड़ी, तो मद्दी गाड़ी को जैसे लोग बाग झांसे में आ जाते हैं और पूछते हैं अगर भैया कितने की दोगे गाड़ी, कागज़ डालो, उसके लिए फिर कागज़ टाइप करते हैं मोबाइल से ही, मोबाइल से सारा काम करते हैं, उसके बाद उसका कागज़ डालते हैं, कागज़ डालने पर उसको फिर टोकन वगैरह लगवाते हैं उससे, फिर वो टोकन डाल देता है, उस तरीके से फिर वो उससे बोलते हैं GST वगैरह का खर्चा दो, और GST वगैरह का खर्चा देता है, ऐसे ऐसे में हम उसको उससे 150,000 रुपये हम ले लेते हैं। तो उसके लिए हम गाड़ी वगैरह दिखा देते हैं, किसी गाड़ी का फ़ोटो कर दिया, उसके नंबर प्लेट में से फ़ोटो एडिट कर दी मोबाइल से, इस वजह से हम सोने की ईंटों को, आप पीतल की जो ईंट होती है उनको आप सोने की ईंटें पर वो किस तरीके से बेचते हो? सोने की नहीं, पीतल की ईंटें होती हैं सारी, लेकिन उसमें क्या है, सोना कुछ हमने अपने पास रखते हैं 10-20 ग्राम सोना, जैसे सैंपल के तौर पर हम बोलते हैं भाई सैंपल तौर पर ले जाओ चेक कराने के लिए, वो चेक कराने के लिए आता है, बोलता भाई टुकड़ा काटो इसमें से, उसमें से हम कोना काटते हैं, कोना काटने पर उसी का पीतल का ही कोना काटते हैं, लेकिन हम एक दो बंदे, अकेला बंदे ही काम नहीं करते, हम एक दो बंदे काम करते हैं, तो दूसरा लोग उनको उनको एकदम से उनके नंगा छू करा देता है, अभी कोई आने वाला है, इस वजह से हम टुकड़े को उसको पीतल वाले को अपने पास रख लेते हैं और सोने वाले को उसके लिए दे देते हैं, वो लेकर चला जाता है चेक कराता है, चेक कराने पर उसके बाद में वो डन करता है, पीछे बोलता है मैं इसको ले लूँगा इधर मध्य रेट में ले लूँगा, उस मध्य रेट में आने कर वजह से उसको वो ले लेता है, मध्य मिल रहा सोना, इस वजह से उसको देते हैं। और हम पैसे वाले से तो बात करते हैं, पैसे वाले खरीद, आपके दिमाग में जो ये लूटपाट की और ठगी की जो वारदातें घूमती हैं और इस तरीके के नए नए जो अपराध सामने आ रहे हैं, ये आपके दिमाग की ये उपज कहाँ से आई? हमारे यहाँ पर ऐसा तो कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई पहाड़ पत्थर चलते थे वो सारे बंद हो गए हैं, क्रेशर वगैरह चलते, मजदूरी का कोई साधन नहीं है, नहीं कोई कंपनी जहाँ काम कर लें जाके कहीं मजदूरी कर ले, मजदूरी का कोई स्रोत नहीं है, तो बैठे बैठे मोबाइल में लगे रहते हैं, अपना दिमाग घुमाते, इस वजह से मजदूरी में आके काम करना पड़ता है। हम तो गरीब आदमी से कुछ कहते नहीं, गरीब आदमी क्यों खरीदेगा हमारा सोना, जो पैसे वाले लोग हैं वही तो पैसे खरीदेंगे सोना हमारा, और गाड़ी भी वही खरीदेंगे जिनके पास पैसा है, गरीब आदमी क्या खरीदेंगे हमारे पास में, और पैसे वालों का क्या होता है, पैसे वाले के बतेरे पैसे वाले होते हैं, वो लालच मार के हमारे पास से खरीद ले जाते हैं, जिससे 150,000 रुपये कमाते हैं, हमारा पालन पोषण हो जाता है, उससे बच्चे का काम चल जाता है। बहरहाल गैंग्स ऑफ मेवात में अब ना तो कोई पुलिस से डरता है और ना कोई कानून से डरता है, रोज धूल उड़ाती पुलिस की गाड़ी यहां हजारों फहरिस्त लेकर आती है, जिनमें अपराधों के रोज नए कारनामे होते हैं, और खाक छानकर लौट जाती है अपने उस थाने की ओर जहां कईयों नई शिकायत नए अपराध उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।